हेलो गाइस, वेलकम टू देव एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए टेंस में जो हम अभी तक हमने जितना भी टेंस की जो भी वीडियो की हैं, यानी कि जो आपने देखी हैं टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने किया, उसके बाद यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यानी कि सभी के सिंपल की, सिंपल के बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाई गई वो बनाई गई कंटिन्यूस टेंस की, यानी उसके अंदर हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो परफेक्ट जो टेंस है वो हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और आपको सबसे पहले, जो अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो फर्स्ट वाले वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया, वहां से आप कंटिन्यूस टेंस सभी के और सिंपल टेंस देख सकते हैं, क्योंकि वो टेंस सीखने के बाद ही आप यहाँ पे इस टेंस पे कमांड कर पाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं परफेक्ट टेंस। जो परफेक्ट टेंस है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे। भाई जो परफेक्ट टेंस, देखिए इसके नाम से ही पता चल जाता है, परफेक्ट का मतलब है जब कोई एक्शन एक्टिविटी परफेक्ट कह देते हैं, जैसे कि ये काम परफेक्ट है, यानी कि कोई एक्शन कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट हो चुकी होती है, वो हम परफेक्ट टेंस में इसको डिनोट करते हैं। अब जब टाइम हमें इसमें दिखे, यानी कि कंप्लीट हो जाना, जो एक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है, वो परफेक्ट टेंस में इसको डिनोट किया जाता है। अब बात आती है, अब टाइम को बताने के लिए अगर हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है उसको डिनोट करेगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बात है पास्ट टाइम में कोई भी एक्टिविटी या एक्शन कंप्लीट हो गया, पहले पास्ट में हो गया, तो इसका मतलब उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट का। और बात आती है अगर आगे आने वाले टाइम में, यानी कि फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन कोई भी एक्टिविटी अगर कंप्लीट होगी, हो चुकी होगी, उसको डिनोट करेगा कौन सा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जो हमने इसमें आज की हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सभी के परफेक्ट सीखेंगे, और जो परफेक्ट टेंस है इसमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी का मतलब इनमें समानताएं क्या है। परफेक्ट किसी का भी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या वो पास्ट परफेक्ट है या वो फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस किसी का भी है, सभी के परफेक्ट में जो मेन वर्ब है वो एक ही यूज की जाती है, और वो होती है दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी थर्ड फॉर्म। मैंने ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक आप इसको मान सकते हैं भाई, ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, थोड़ी सी बातें याद रखनी है, उससे आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाते हैं। यानी कि परफेक्ट किसी का भी है, सभी के परफेक्ट में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट है तो भी थर्ड फॉर्म आएगी, अगर वो फ्यूचर परफेक्ट है तो भी वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। अब यहां पे जो मेन बात है भाई, मेन वर्ब का तो पता चल गया, अब बात है इसकी आइडेंटिफिकेशन की। इसकी आइडेंटिफिकेशन में भी एक कॉमन वर्ड होता है, वो कॉमन वर्ड दोस्तों है चुका। यानी कि मैंने आपको अभी अभी बताया परफेक्ट का मतलब होता क्या है, जो एक्शन जो एक्टिविटी जिस टाइम में कंप्लीट हो जाते थे, वो पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हुई, फ्यूचर को में हुई, यानी कि जो एक्शन जो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई उसी को डिनोट करता परफेक्ट टेंस। अब बात आती है किसी का भी परफेक्ट है उनमें ये चुका, यानी जब आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी भाई, किस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, तभी तो हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों चुका इसमें कॉमन है, यानी कि अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट की है तो इसके लास्ट में प्रेजेंट में तो क्या वर्ड आता है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए है, मैंने आपको बताया था, पास्ट को डिनोट करने के लिए था, फ्यूचर को डिनोट करने के लिए होगा। यानी कि अगर चुका है वर्ब के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर चुका था वर्ब के लास्ट में सेंस आते चुका था हिंदी में, तो इसका मतलब वो हमारा पास्ट परफेक्ट, अगर चुका होगा अगर ये आएगा तो दोस्तों कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें सिमिलरिटी है भी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दूसरी बात कॉमन वर्ड चुका मिलेगा, प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, फ्यूचर है तो होगा, वो हम इसके पीछे इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये इसमें सिमिलरिटी है। रही दूसरी बात, अब इसमें जो हर टेंस को अलग करती है, उनमें डिफरेंस दिखाती है दोस्तों, वो उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हमें सीखना ही क्या है, हर टेंस में हम कोई भी टेंस करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो कमांड बनानी पड़ती है दोस्तों, वो बनानी पड़ती है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पे। क्योंकि टेंस को मैंने आपको पहले जो वीडियोज है उसमें भी बताया था, हम टेंस जो सेंटेंस आपको मिलेगा उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस है, तो दोस्तों उसकी
की हेल्पिंग वर्ब से हम उस टेंस को पहचानते हैं। और बात आती है हिंदी के सेंटेंस की, तो हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, उसकी पहचान देखते हैं, तभी तो हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। क्योंकि टेंस, इसलिए मैंने बोला था टेंस इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दिस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसको हम बैकबोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो यहीं से कंप्लीट होती है, तभी हम इंग्लिश की जो नेक्स्ट हो जितने भी टॉपिक हैं वो हम सीख पाते हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं भाई, इसके अंदर जो हमारे टेंस है वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे। तो सिमिलरिटी हमने जानी, अब उसके बाद जो फर्स्ट है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए दोस्तों, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट टेंस। अब यहां पे बोला गया जब कोई भी एक्शन हैज रिसेंटली फिनिश्ड, यानी कि अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने बोला आपको, मैं अभी बोलूं, हमने सभी टेंसों की सिमिलरिटी, या हम सभी टेंसों की सिमिलरिटी जो पॉइंट है, मेन वर्ब है, आइडेंटिफिकेशन, वो सीख चुके हैं। यानी कि ये एक्शन कभी कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, बिल्कुल अभी अभी, जस्ट मैं खाना खा चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, ठीक है। अगर हमने बोला हम गोहाना पहुंच चुके हैं, हम सोनीपत पहुंच चुके हैं, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, यानी कि जो एक्शन, जो एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, जो एक्शन, जो एक्टिविटी recently अभी अभी फिनिश हुई है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसमें एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। अब यहाँ पे बोला गया ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, अब जो दिल्ली पहुंचे हैं वो अभी अभी का तो एक्शन है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं, यानी कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो दिल्ली पहुंच चुका है, कब, रिसेंटली, अभी अभी। तो अभी अभी जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब टर्न आती है इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए पॉजिटिव सेंटेंस की, भाई इसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, भाई इसमें अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में आएगा, मेन कमांड आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे रखनी है। इसमें अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो थर्ड फॉर्म आई ना, मेन इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में आता, मेन आपको देखना है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों उसका हैज हैव का यूज किया गया है। अगर आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस राइट करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नेगेटिव किसी का भी है उसमें हम स्ट्रक्चर राइट करते हैं, रिपीट अगेन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज हैव के बाद हम यूज करेंगे नोट का, क्योंकि इसमें ना की सेंस आती है और ना की सेंस जिसमें आएगी उसमें हम नोट का तो यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम इसमें जो पंक्चुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हम जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई भी है, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। ये सेम है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आई है और इसके इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो इसका मतलब इस हेल्पिंग वर्ब का यूज इसके अंदर इंटेरोगेटिव के अंदर भी हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे। यानी हैज हैव के बाद हम राइट करेंगे सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी कि चार सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हम चार हर जो भी टेंस करेंगे उसमें करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर एज इट इज राइट करके सिर्फ आफ्टर द सब्जेक्ट आपको यूज करना है नोट का, और सेम एज इट इज इसके अंदर जो पंक्चुएशन मार्क है दोस्तों वो क्वेश्चन मार्क, यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज किया जाएगा। अब मैंने यहां पे जो चार स्ट्रक्चर लिखे इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट देखना है कि भाई अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम यूज करते हैं हैज हैव का।
हैज हैव, यानी कि जिस इंग्लिश सेंटेंस में आपको हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मिलता है, आप समझ जाइएगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप जब देखते हैं और देखते ही आपको इतना तो नॉलेज होगा कि आप उसमें पहचान पाए कि वो टेंस कौन सा है, वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद अब बात आती है इसके आइडेंटिफिकेशन की। चलिए हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से पहले इसके कुछ रूल कर लेते हैं। रूल यानी कि हैज हैव का यूज, अब दो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दी गई तो हैज हैव का यूज कैसे करना है, तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं यूज ऑफ हैज हैव में। फर्स्ट है हैज का यूज, यानी कि अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलता है, अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलता है तो दोस्तों आपको यूज करना है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का। अब सब्जेक्ट तो मेरे को बताने की शायद जरूरत नहीं, हर वीडियो में मैं बता देता हूं, फिर भी चलिए मैं आपको दोबारा से फिर रिमाइंड करवाता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही, सी, इट या कोई भी एक नेम सिंगुलर में आएगा, कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन, जैसे कि मैं बोल दूं यहां पे नेम मैंने लिख दिया राम, ठीक है, तो ये सिंगुलर में आएगा, उसके साथ हमें यूज करना है दोस्तों हैज हेल्पिंग वर्ब का। अब बात आती है जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन से, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हमें यूज करना है हैव हेल्पिंग वर्ब का। और जो आई है ना, मैंने आपको बताया था आई के साथ कई कई बार ये सिंगुलर में, कई बार प्लूरल में, तो यहां पे आई के साथ कभी भी हैज का यूज नहीं होता, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव आएगा। यानी कि यहां पे सब्जेक्ट आपको आई मिले, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम आपको मिले, जैसे यहां पे एक राम लिखा था लेकिन राम के साथ मिल गया राम एंड मोहन, दो नाम आ गए ना, तो इसके लिए इसका मतलब ये प्लूरल में काउंट हो गया। कोई भी प्लूरल आपको नाउन मिलता है, प्लूरल नाउन के साथ भी आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हैव का। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको मिला जो किसी एक के बारे में रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ आपको हैज का यूज करना है, अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिलता है तो उसके साथ आपको का यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट इसमें जो हमने देखा भाई, हमने इसके रूल भी देखे, स्ट्रक्चर भी देखे, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है इसके आइडेंटिफिकेशन का। अब आइडेंटिफिकेशन की अगर बात की जाए भाई, इंग्लिश में तो हमने पहचान लिया और ये भी देख लिया कि इसके अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब पॉइंट आता है भाई, हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो हिंदी में हम उसको कैसे पहचान पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात की जाए, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। अब हिंदी में अगर इसकी पहचान कैसे करते हैं वो देखना है। किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लेकिन ध्यान रखना चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, किसी नाउन की लास्ट में अगर आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये जो चुका है या चुकी है की जो सेंस है वो हमेशा क्रिया यानी कि वर्ब की लास्ट में निकलती है, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो हमारा कौन सा टेंस है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसके आइडेंटिफिकेशन है उसको सीखा। अब नेक्स्ट इसी में सेम सिमिलरिटी में, यानी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, उसमें चेंजमेंट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट टेंस में जो होगा उसमें क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेम रहेगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, क्योंकि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ही चेंज की जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेंस यानी कि इसके बाद हमारा जो पास्ट परफेक्ट आता है उसको, अब हमारा इसमें जो पास्ट परफेक्ट है उसको देखते हैं। जो सिमिलरिटी की बात की वो सेम है, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो बात की, आइडेंटिफिकेशन चुका की जो बात की थी, यानी कि जो हमारा ये प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, कॉन्टिन्यूस करते हैं, परफेक्ट करते हैं, उसका डायरेक्ट यही है कि आपको एक प्रॉफिट मिले कि आप इसको कम टाइम में कर पाएं, यानी कि आप एक शॉर्ट ट्रिक के उससे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए जो बात हमने की पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसमें यानी कि पास्ट में जो एक्शन, जो एक्टिविटी पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीट हो चुके किस में, पास्ट में, यानी चुका था, चुके थे, हम पढ़ चुके थे, हम खाना खा चुके थे, अगर मैं सिंपल सेंटेंस की अगर बात करूं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब इसमें लिखा क्या, इफ टू एक्शन, ध्यान से सुनना, इफ टू एक्शन टेक प्लेस इन द पास्ट, अभी यहां पे मैंने क्या बोला, यदि दो एक्शन
टेक प्लेस इन द पास्ट, किस में होते हैं? पास्ट में एक ही जगह पे दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन एक साथ होते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। द फर्स्ट एक्शन विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सेकंड एक्शन विल बी इन द सिंपल पास्ट टेंस। ये कहता अगर एक ही जगह पे, यदि एक ही जगह पे दो एक्शन एक साथ होते हैं एक के बाद दूसरा, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एक्शन है वो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, जो सेकेंड एक्शन आपका है वो लिखना पड़ेगा आपको सिंपल पास्ट टेंस में। ये चीजें हमारे जो एरर फाइंड आउट करने आते हैं टेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वहां पे जो टेंस का एक सीक्वेंस होता है, एक टेंस का पेयर होता है, उसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस चीज को जरूर आपको अच्छे से समझना है। दो एक्शन एक ही जगह पे हैं एक के बाद दूसरा, तो आपको फर्स्ट एक्शन में दोस्तों पास्ट परफेक्ट का यूज करना है और सेकेंड एक्शन में आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। उसके बाद अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा, व्हेन अमर रीच हिज विलेज, ध्यान से देखना। अब एक्शन दो हैं, व्हेन जब अमर रीच हिज विलेज, उसके गांव पहुंचा, ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। अब इस प्रीसीडेड का मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देता हूं। इसका मतलब यहां पे टू कम बिफोर, प्रीसीडेड मतलब टू कम बिफोर, यानी कि जब अमर अपने गांव पहुंचा, एक एक्शन ही फाउंड दैट, वो क्या पाता, द न्यूज, खबर अबाउट हिम हैड, उसके बारे में उसके आने से पहले ही गांव में पता चल चुकी थी। यानी कि अब यहां पे एक एक्शन यहां पे हुआ और यहां पे कौन सा टेंस यूज किया, इस सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई, तो इसका मतलब है एक एक्शन किस में लिखा गया, एक एक्शन हमारा सिंपल पास्ट में लिखा गया। उसके बाद ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड, तो इसका मतलब सेकंड एक्शन हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब सेकंड एक्शन पास्ट परफेक्ट में। यानी कि एक किस में यूज किया, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का यूज करके दो एक्शन जो दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया। एक पुराना, बहुत ही पुराना सेंटेंस चलता है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कितना पुराना सेंटेंस स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, वो इसी में तो आता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था और मेरे स्टेशन पर जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। वो इस तरीके के सेंटेंस, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम यही टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है और उसके अंदर दो टेंस आपको इंक्लूड करने हैं, एक एक्शन में पास्ट परफेक्ट और दूसरे एक्शन में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैंने और लिखा है, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, इसके अंदर भी सेम किया गया, एक एक्शन कैसे लिखा गया और सेकंड यहां पे क्या किया गया, एक में हम सिंपल पास्ट का यूज किया गया वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके, और आई हैड सीन जो दिया गया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके यहां पे पास्ट परफेक्ट यूज किया गया, और नेक्स्ट वाले एक्शन में क्या यूज किया गया, पास्ट सिंपल यूज किया गया। अब इसमें बात आती है, हमने समझ लिया अभी पास्ट परफेक्ट में किस चीज का जिक्र किया गया, वो हमने अच्छे से समझा। उसके बाद बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे यूज किए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट किसी का भी है, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का देखना आपको। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस राइट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट किया जाएगा। अगर इसी में आप नेगेटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अगर आप इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज किया जाएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब आप राइट करते हैं तो इसमें फिर हेड प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी थर्ड फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें दोस्तों एक ही पहचान आपको करनी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में आता है, वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है, परफेक्ट किसी का भी थर्ड फॉर्म आती है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। यानी कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट किया उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आई,
पास्ट परफेक्ट किया तो हेल्पिंग वर्ब हैड आई, यानी जिस इंग्लिश सेंटेंस में आपको हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज मिलता है इसका मतलब वो हमारा कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब बात आई रूल की, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है दोनों के साथ आपको हेड यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का जो चक्कर है ना वो वहां पे आएगा जब हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब ही एक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर आए प्लूरल आए दोनों के साथ आपको हेड का यूज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुके थे या चुकी थी मिलेगा, चुके थे या चुकी थी मिलेगा, इसका मतलब है वो हमारा कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है, और दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक दो सेंटेंस बोल देता हूं आपसे, उसको करके भी देखना। जैसे मैंने बोला हम खाना खा चुके थे, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। हम टेंस पढ़ चुके थे, आप इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इस चीज को सीख पाएंगे, अदरवाइज बगैर प्रैक्टिस के इस पे कमांड नहीं होगी। उसके बाद इसी में जो लास्ट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम है, सिर्फ आपको एक ही चीज देखना है भाई परफेक्ट जो हम इसमें करेंगे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि आगे आने वाले टाइम में जो एक्शन जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होंगी उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते हैं, देखो शैल विल तो फ्यूचर का कोई भी है सभी में आएगा, लेकिन शैल विल के साथ ना दूसरी इंक्लूड हो जाती है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें आप नेगेटिव राइट करते हैं दोस्तों तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल और इस हैव के ना बीच में आपको नोट का यूज करना है, सब्जेक्ट यानी विल नॉट हैव शैल नॉट हैव ऐसे इसको करना है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आप इसमें इंटरोगेटिव रखते हैं, अब देखो शैल हैव विल हैव दो आई है ना, लेकिन हेल्पिंग यानी कि इंटरोगेटिव जब सेंटेंस करेंगे ना तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसी को पहले लिखा जाएगा, यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर आप नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव मेरे को पता आप कर सकते हैं, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें सिक्का क्या, भाई थर्ड फॉर्म तो हम सभी के परफेक्ट में करते हैं, शैल विल किसी भी फ्यूचर का है उसमें आएगा, सिर्फ इस शैल विल के साथ हैव, यानी कि फ्यूचर सिंपल किया तो उसके अंदर क्या आया था, सिंपल फ्यूचर के अंदर अकेला शैल विल आया था, और जब हमने किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल विल के साथ इंक्लूड हो गया बी, और उसके बाद जो नेक्स्ट आया क्या फ्यूचर परफेक्ट तो शैल विल के साथ आ गया हैव, यानी शैल विल तो सभी में है। अब बात करते हैं इसके रूल की भी शैल विल का यूज कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी मिलेगा दोस्तों उसके साथ आपको शैल हैव का यूज करना है, अगर सेकंड पर्सन यानी इसके जो रूल है रूल में हम बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन आई एंड वी यूज द शैल हैव हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड ऑल अदर सब्जेक्ट यूज द विल हैव हेल्पिंग वर्ब। I hope you understand. अब हमने ये कंप्लीट किया भाई इंग्लिश जिस इंग्लिश सेंटेंस में shall have will have मिलेगा वो हमारा कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब बात आती है इंग्लिश में तो पता चल गया, भाई हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका तो कॉमन है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आएगा, वो हमारा कौन सा टेंस, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं दो सेंटेंस बोलूं आपको, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना है। मैंने बोला हम खाना खा चुके होंगे, हम खेल चुके होंगे,
हम पढ़ चुके होंगे, यानी कि ऐसे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बोले हैं, वो आप पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में, चारों टाइप में उसको आप ट्रांसलेट करके देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बने। क्योंकि जो वीडियो बनाने का मेन हमारा मोटिव है वो क्या है कि आपका बेस जो न्यू है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, वो चीज़ें जो बेस है वो आप अच्छे से समझ पाएं, ताकि आगे जो एरर फाइंड आउट करेंगे, जो आगे की जो हाई लेवल की जो वीडियो बनेंगी उसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने सभी के परफेक्ट किए, फ्यूचर परफेक्ट किया, पास्ट परफेक्ट किया या प्रेजेंट परफेक्ट किया, तीनों की सिमिलरिटी हमने सीखी। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।